बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन प्रोसेस हो चुका है पूरा और इस प्रोसेस में हो चुके हैं घर वाले 5 लोग नॉमिनेट। यहाँ पे नॉमिनेशन के बाद दिखा ईशा और खानजादी के बीच बहस। देखने से ये लगता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई हुआ है नॉमिनेट। इसी बहस में ईशा खानजादी से कहती है कि तूने अभिषेक का यूज किया है, तूने अभिषेक के दिल के साथ खेला है, तू पहले उसे अटेंशन देती थी, अब तू उससे लड़कर उसका दिल तोड़ रही है, तू गेम के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। जिस पे खानजादी उन्हें कहती है कि अगर मैंने उसका यूज किया है तो अब तक तूने क्या किया है, तूने भी तो वही किया है। जिस पे इन दोनों की हो जाती है बहस। ईशा इसमें ये भी कहती है कि मैं अभिषेक को अच्छे से जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ कि अगर वो किसी से अटैच हो जाता है तो उसकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो उससे दूर नहीं रह पाता, इसी का तुमने यूज कर लिया है। जिस पे खानजादी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब तुम लोग का किया धरा है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खानजादी और ईशा इन दोनों की बहस अभिषेक की वजह से यूं ही चलती रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।